पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आखिरकार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने महानगर अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों में फेरबदल कर ही दिया। लंबे समय से संगठन में बदलाव की सूचना के बाद से ही सभी ने अपने अपने हितेशी नेताओं को साधना शुरू कर दिया था, लेकिन आज उन सभी पर विराम लग गया। भाजपा ने नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। मुरादाबाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के स्थान पर अब नई जिम्मेदारी ब्राह्मण चेहरे संजय शर्मा को सौंपी गयी है। संजय शर्मा के नाम की घोषणा होते ही उनके निवास पर भाजपा पदाधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर संजय शर्मा का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान सभी ने खुशी का इजहार किया। संजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 2024 का इलेक्शन ही हमारा लक्ष्य है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ही सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं का नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने आभार जताया। आपको बता दें कि संजय शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वार्ड की कमेटी से की और 1996 में युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष बने। 2007 में स्वर्गीय श्री ओम जी की टीम में महानगर मंत्री के रूप में कार्य किया। उस कार्यकाल में माता जी भी कटघर की पार्षद रही। वर्ष 2009 में रितेश गुप्ता की टीम में महानगर उपाध्यक्ष और 2012 में फिर से रितेश गुप्ता की टीम में महानगर महामंत्री चुने गए, तो वहीं 2016 में स्वर्गीय महेंद्र गुप्ता की टीम में उपाध्यक्ष, महानगर में बूथ प्रमुख, संपर्क प्रमुख, सदस्यता प्रमुख तथा अभियानों के प्रमुख रहकर कार्य किया। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में विधानसभा संयोजक के रूप में और 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव संयोजक के रूप में कार्य किया है, जिसके बाद पार्टी ने आज उन पर भरोसा जताया और संजय शर्मा को महानगर का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ जो मुझे इस योग्य समझा, और मैं प्रयास करूंगा कि अपने शीर्ष नेतृत्व से जो भी कार्यक्रम पार्टी के लिए आते हैं, जो भी कार्य होंगे, उन्हें मैं बिल्कुल तन मन धन से करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आगे भी हमारा जो मुख्य लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, अब हमें बैठना नहीं है और कंटिन्यू काम करते रहना है पार्टी के लिए, और हमारा सबका प्रयास यही रहेगा कि हम पूरी लोकसभा में 80 की 80 सीटें निकाल लें। आप पुराने कार्यकर्ता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं किस तरह की चुनौतियां मानते हैं अगर आगामी कार्यकाल? चुनौतियां बस सिर्फ काम ही करना है। मोदी जी ने हमारे इतने कार्य किए हैं और जितने भी बहुत लोगों को हमारे मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला है, और जितना भी हम लोगों को काम ही करना है, और मोदी जी ने जितना कर दिया है, अगर हम उन सब चीज़ों को जनता के सामने लाकर रखते हैं तो हमारे सारे प्रयास सफल होंगे। और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि 2024 का चुनाव हम बहुमत से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से हम 80 की 80 लोकसभा सीटें मोदी जी को देंगे। अच्छा, मुरादाबाद महानगर की टीम में कहीं ना कहीं ऐसा मंजस नज़र आता है बहुत सारे कार्यकर्ताओं में, हर अध्यक्ष के सामने इस तरह का जो कठिनाइयाँ हैं वो सामने आते हैं, किस तरह से इनको फेस करने वाले हैं, क्या रणनीति तैयार करेंगे? नहीं, किसी चीज पर इधर उधर की ध्यान नहीं देना, सिर्फ काम से मतलब। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।